कि मेरे अकेलेपन की वजह कुछ यह भी रही, मेरे अकेलेपन की वजह कुछ यह भी रही कि मैं संगत बदलता रहा, संगत रंग बदलती रही। अब ये कुछ उन ख्वातीनों के लिए है, कुछ उन आशिकों के लिए है, मेरे इश्क के लिए है कि तुम शमशान की उन लकड़ियों की तरह हो सनम, कि तुम शमशान की उन लकड़ियों की तरह हो सनम, काम आती भी हो तो बस जलाने के लिए। तो ये कि अंतिम शेर सुना चाहूंगा, इसके बाद कविता बोलूंगा कि जब भी इश्क मेरा चरम पर होता है, कि जब भी इश्क मेरा चरम पर होता है, दरअसल ध्यान मेरा मरहम पर होता है। अब कविता प्रस्तुत करूंगा, उसका नाम है खबरदार। तो ये आजकल जितनी भी खबरें आ रही हैं जो काफ़ी बार अनटेस्टिफाइड होती हैं और अंत में पता लगता है कि फेक थी या जिनका कोई वजूद नहीं था लेकिन फैला दी है, तो ये उसके ऊपर एक कटाक्ष है। सुनिएगा ध्यान से। मचा शोर खबर के आने पर, अति कोलाहल मच जाने पर, कल प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई है आज कहाँ वो दबी हुई, उस रोज नई एक रीत हुई, अखबारों में बातचीत हुई कि कौन सत्य पथ चलता है, क्या धन पर मन मचलता है, क्या बचा कहीं स्वाभिमान है, अफवाहों के विमान हैं, हम सुबह सुबह ही निकलते हैं, आंगन सीढ़ियों में डलते हैं, दिन रात जो मूर्ख झगड़ते हैं, हमें घुसलखानों में पड़ते हैं, ये कैसे हमारे भाग हैं, ये कैसे हमारे भाग हैं, कोनों पर चाय के दाग हैं, खबरें गिरते बाजारों की, पाकी कीमत इश्तेहारों की, एक पन्ना अच्छे दिन का भी, एक पन्ना अच्छे दिन का हो, सच उसमें बस एक दिन का हो, जलवे सिनेमा के भी हो, एक मन घड़ंत सर्वे भी हो, फिर इधर उधर की बातें हैं, आधार रहित अब खाते हैं, दो बातें तुम तकदीर की दो, दो बातें तुम तकदीर की दो, एक नंग धड़ंग तस्वीर भी हो, वो पन्ना कहाँ है दबा हुआ, वो पन्ना कहाँ है दबा हुआ, एक आधा सच जहाँ कहा हुआ, हर झूठ यहाँ सीमांत है, क्या सरहद अभी भी शांत है, ये जैसे गाय का चारा है, हर पढ़ा लिखा बेचारा है, वो मजा नहीं मैं खाने में, वो मजा नहीं मैं खाने में, जो झूठों को झूठ पढ़ाने में, समझ रखते हो तो समझदार रहो, समझ रखते हो तो समझदार रहो, यदि खबर पढ़ते हो तो खबरदार। शुक्रिया।